अस्सलाम वालेकुम, मैं रबाब रिजवी, आप लोग देख रहे हैं फिर इनकी कुमित शेख रबाब रिजवी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पालक आलू। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक गड्डी पालक, एक गड्डी सोया को अच्छे से काट के धो के पानी डाल के उबालने चढ़ा दिया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर जो हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे 5 मिनट तक। फिर इसका पानी सारा स्ट्रेन आउट कर लेंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ हमारी पालक बॉयल हो चुकी है, इसे मैंने पानी को अच्छे से ड्रेन आउट कर लिया है और इसे निचोड़ के अच्छे से बिल्कुल पानी को खुश्क कर लिए। आलू काट के यहाँ रख दिए। अब हम अपने पैन के अंदर ऑयल डालेंगे, टू टेबल स्पून जितना कुटा हुआ लहसुन डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे इसे। यह हमारा लहसुन अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसके अंदर आलू डाल के फ्राई करेंगे। अगर आप लोग आलू ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। मैंने 6 से 7 आलू डाले दरमियाने साइज के और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे पहले ताकि लहसुन का पेस्ट जो है आलूओं के अंदर आ जाए। यहाँ आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं लहसुन के साथ। अब हम इसके अंदर पालक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे पहले इसे। हाफ ग्लास जितना पानी डालेंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं। तीन से चार मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, वन टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 मिनट दम पे रख देंगे ताकि ये आलू अच्छे से गल जाएं और पानी सारा सूख जाए। फिर आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। ये देख सकते हैं आप लोग, पानी इसका सूख चुका है, तेल ऊपर आ गया। अब हम इसे डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। ये देख सकते हैं आप, हमारा पालक आलू रेडी हो चुका है। कितना टेस्टी, कितना यम्मी सा। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वाइट बटर भी रख के उसे मेल्ट करके वो भी तंदूरी नान से खा सकते हैं, आप चपाती से भी खा सकते हैं, आप घर की रोटी से भी खा सकते हैं और पराठों से भी खा सकते हैं। लेकिन तंदूरी नान से ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने घर पर ट्राई लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।